वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की, इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। यानी कि 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो इस बार चुना गया है, वो चुना गया है जेलेंस्की साहब को। यानी कि आपको पता होगा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इनको चुना गया है। अब टाइम ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर इन्हें क्यों चुना गया है, किस व्यक्ति को किस खासियत पर चुना जाता है, वो जानेंगे। और जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है, ये किसके द्वारा जारी करी जाती है, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ऐसी कौन सी खासियत इन्होंने करी इस साल जो कि इनको चुना गया है, ये सब हम जानने वाले हैं। वैसे तो जानते हैं कि क्या खासियत करा इन्होंने, लेकिन फिर भी हम लोग डिटेल से इसको बात करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बच्चा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में इसका लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। तो देखिए, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है जेलेंस्की, जेलेंस्की जो है इस बार के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित करे गए हैं। साथ ही इन्हें जो है स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी 2022 पर्सन ऑफ द ईयर की कैटेगरी में स्थान दिया गया है, ठीक है। एक आपको याद रखना है कि भैया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रहे हैं जेलेंस्की साहब। दूसरा जो है आपको ये याद रखना है कि स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर की कैटेगरी में स्थान दिया गया है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग है, दोनों पॉइंट अलग है। अब टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसी वर्ष की उस घटना या व्यक्ति को दिया जाता है जिसने वर्ष भर ग्लोबल लेवल पर अधिक प्रभाव रहा हो। चीन के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग और यूएसए सुप्रीम कोर्ट, जो यूएसए है सुप्रीम कोर्ट, और ईरान के प्रदर्शनकारी भी इस रेस में शामिल थे, लेकिन मिला किसे, मिला जेलेंस्की साहब को। ध्यान से समझिएगा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसी वर्ष की उस घटना या व्यक्ति को दिया जाता है जिसको वर्ष भर ग्लोबल लेवल पर अधिक प्रभाव रहा हो। जैसे कि मैं बात करूं कि COVID-19 का एक अधिक प्रभाव रहा, लेकिन दिया नहीं गया, क्यों, कई कारण से। जेलेंस्की साहब को क्यों दिया गया, क्योंकि भैया अभी इनका विश्व भर में काफी दबाव रहा। जैसे इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी शक्ति रशिया के साथ लड़ाई करी, और सबसे बड़ी बात है कि ये आखिरी तक लड़ रहे हैं, है ना, भागे नहीं, अपना देश नहीं छोड़ा, खुद हथियार उठाने को तैयार हो गए। तो यही चीज देखकर जो है इनको दिया गया है, क्लियर है। एक तो आपको इस बात को याद रखना है। आगे क्या कहा जा रहा है इनके बारे में, जेलेंस्की कैसे बने हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट पर एक स्पेशल आर्टिकल भी पब्लिश किया है अभी, जिसमें इन्होंने बता दिया गया है कि कैसे जेलेंस्की ने रूस जैसी बड़ी ताकत के सामने हार नहीं मानी और इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि कैसे जेलेंस्की ने रूस के सामने दुनिया को एकजुट किया है, ठीक है। यानी कि आपको पता होगा कि इस लड़ाई को रुकवाने के लिए बड़े बड़े देश अपील कर रहे हैं, जैसे हमारा देश भारत ने भी काफी करी है ना। दूसरा यह है कि जेलेंस्की, मतलब यूक्रेन और रशिया की अगर मैं बात करूं, तो रशिया जहां हाथी की भूमिका निभा रहा है, यूक्रेन एक चींटी है ना भाई, ये है काफी इतना बड़ा है रशिया इससे, और यूक्रेन इसके बिल्कुल यहां पर रखता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अब वही होता है ना कि आपके पास जो है पैसा नहीं है, लेकिन काबिलियत है, और आप अपने उस काबिलियत को कैसे यूज करेंगे ये आप पर निर्भरता करता है, समझ रहे हो। पैसे से इंसान जल्दी तो पहुंच सकता है, लेकिन टैलेंट से इंसान सब चीज प्राप्त करता है, पैसा ही नहीं, वो लोगों का प्यार भी प्राप्त करता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं अगर बात करूं, YouTube में आप ले लीजिए, YouTube में बहुत लाखों करोड़ों चैनल है, लेकिन सक्सेस कितने, बहुत कम, और उसमें से भी प्योर सक्सेस कितने, वो भी बहुत कम है ना। सही है, आपने ऐसा देखा होगा ना कि कोई 1 साल पढ़ाई कर आईएएस बन जाता है, और कोई 6-6 साल में नहीं बनता। भाई ऐसा क्यों, जबकि वो 1 साल वाले से ज्यादा जानता है 6 साल वाला, समझ रहे, ऐसा क्यों, क्योंकि 6 साल वाला जो पढ़ाई कर रहा है ना, वो उस स्ट्रेटेजी को नहीं जानता, वो टिकना नहीं जानता है, और 1 साल वाले ने कुछ ऐसा पढ़ा जो पूछा जा रहा है वो पढ़ रहा है, वो सब चीजें, क्लियर है। तो वही रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी था कि रशिया जो है, रशिया ने अपने सारी चीजों का यूज करा, सब कुछ करा, लेकिन यूक्रेन पर जितना जो था वो लगा रहा, लेकिन जो उसके मेन व्यक्ति था, जो यहाँ का प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था, वही यहाँ से नहीं भागा। अब जब जब यहाँ पर मेन प्लेयर खड़ा है, तो बाकी लोग कैसे भाग सकते हैं,
ठीक है। 44 वर्षीय है जेलेंस्की ने खुद को लोकतंत्र की प्रतीक के रूप में स्थापित किया और साथ ही यूक्रेन और रूस के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करना जारी रखे हैं। 2019 में जेलेंस्की के यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही यूक्रेन का जो है रिसिफिकेशन है ना, रूसिफिकेशन, रूसिफिकेशन की नीति का पालन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं ये जो है 2019 से ही जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ही यूक्रेन के डिरिसिफिकेशन जो है, रूसिफिकेशन जो है उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है, रूसिफिकेशन नीति का पालन कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डिरूसिफिकेशन जो होता है उसका यहाँ पर पालन हो रहा है, क्लियर है। तो इसीलिए जो है इनको क्या चुना गया है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इस बार का चुना गया है। अब देखिए पिछले वर्ष से लेकर अभी तक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पूरा डेटा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 2012 में जो है, एक मिनट रुकेगा, 2012 में जो है बराक ओबामा को मिला था, ठीक है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उस फिर है पोप फ्रांसिसी, इनको मिला था 2013 में। इबोला इबोला फाइटर्स जो है, इबोला फाइटर्स इनको मिला था, ठीक है, जिन्होंने अफ्रीका में प्रकोप को रोकने के लिए कार्य किया था, मेडिक्स, अब जिन्होंने मेडिक्स जो है ना, डबोला डबोला फाइटर्स उन्होंने। एंजेला मार्केल इनको 2015 में मिला था। डोनाल्ड ट्रंप इनको 2016 में मिला था। द साइलेंस ब्रेकर वो महिला जिन्होंने हैशटैग मी टू मूवमेंट शुरू किया था, इन्हें 2017 में मिला था दी पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, उसके बाद जो है 2018 में द गार्जियंस करके जो है, जिन्होंने जमाला खशोगी सहित पत्रकार एक समूह था उनको दिया गया था, ये याद रखिएगा। ग्रेटा थनबर्ग ठीक है 2019 में मिला। जो बाइडन और कमला हैरिस को जो है, जो कि जो बाइडन अभी राष्ट्रपति अमेरिका के, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है, तो इनको 2020 में दिया गया था। ठीक है, और 21 में एलन मस्क को मिला था। ठीक है, और 22 में जेलेंस्की को मिल चुका है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की पूरी लिस्ट जो कि अभी तक पिछले 10 वर्षों की मैंने आपको बताई। क्लियर हो गया बच्चा, आगे बात करते हैं। अब किस बिहाव पे दिया जाता है इसके ऊपर जान लेते हैं। तो 1927 में पहली बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, है ना, वर्ष 1920 में। उस वर्ष जो है चार्ल्स लिंडबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, 1982 में पहली बार किसी ऑब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर को चुना गया था। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कंप्यूटर को चुना गया था। और 2007 में रूस के प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था 2007 में। ठीक है, तो ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है, क्लियर है। तो आई होप आप जान गए होंगे कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कैसे चुना जाता है और किनको आज तक मिला है, पिछले 10 वर्ष में किन किन को मिला है। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट का याद रखिएगा, साथ में रूस का भी पूछा जा सकता है। तो रूस में जो मिला था, डेट पूछी जाएगी 2007 में मिला था रूस को, क्लियर है, ये आपको याद रखना है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज शुक्रवार है तो 7 बजे आपको वीडियो मिलने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है बच्चा, हर्षद मेहता के ऊपर आपको वीडियो मिलने वाली है। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम सामने आया था, आपको पता होगा आज तक का सबसे बड़ा स्कैम है 1992 हर्षद मेहता, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो स्कैम कैसे हुआ, कब हुआ, कहां कहां कितना घोटाला हुआ, वो सब चीजें, क्लियर है। तो 7 बजे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।